इधर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा आई बटन में फोरियर ट्रांसफॉर्म का। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का अपन पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें। अपने घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबके मोबाइल में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। अपने दोस्तों को भी बोलें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, आप खुद ही सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, एंड इसी तरह से आप मुझे अपना सपोर्ट दिखाते रहें। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फंक्शन को क्या दिया हुआ है, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अपना फंक्शन क्या हो जाएगा फिर, हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें पता होना चाहिए कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ओके क्या होता है फॉर्मूला। यस, एफ एस सबस्क्रिप्ट में सी, सबस्क्रिप्ट में सी लिखा मतलब ये क्या होगा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा। अगर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में एस लिखा होगा तो क्या होगा, ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किसका, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। तो यहाँ पे एफ एस सबस्क्रिप्ट में सी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to ∞ एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स, ये क्या उसका फॉर्मूला होता है। और हमें पता है कि यहाँ पे अपना फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया, यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको अपन यहाँ पुट अप कर दिए। और इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे इंटीग्रेशन अपन क्या मानते हैं, अपन आई मान लेते हैं, एंड लेट्स सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन। ओके, मुझे करना क्या है, इसी के वैल्यू को निकालना है। ओके, इस इंटीग्रेशन बेसिकली यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का आपको दिख रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर ई की पावर एक्स अगर होता या माइनस एक्स होता तो बात बन जाती, बट यहाँ पे एक्स का भी अलग से स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट मत करना। ओके, एस के रेस्पेक्ट में करना। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी डी एक्स दिया हुआ, ये किसका इंटीग्रेशन है, ये एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो ध्यान रखिएगा जिसके रेस्पेक्ट का ये इंटीग्रेशन है उसका ऑपोजिट जो दिया हुआ है एक्स के अलावा, देखो यहाँ पर और कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पे एस है कि नहीं, बट यहाँ पे क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे हम इस इंटीग्रेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एस अपने के कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तुम करना क्या, मुझे इसके रेस्पेक्ट में करना है। ओके, ठीक है, तो ये अपना आई था, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एस, तो ये अपना क्या होगा, डी आई अपन में डी एस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to ∞। ये अपना क्या कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस अपना क्या होता है, माइनस साइन होता है। ओके, तो माइनस साइन एस एक्स। अब देखो यहाँ पे एस का देखो कोफिशियंट यहाँ पे कौन है, एक्स है, हम एस के रेस्पेक्ट में इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एस का कोफिशियंट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो एक्स को अपन क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, फर्दर यहाँ पे अपन डी एक्स लिख देंगे। आई बात समझ में, तो इसको देखो हम क्या करेंगे फिर, यस, इस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन 0 to ∞। ओके, ये अपना क्या होगा, एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे क्या आएगा अपना साइन एस एक्स डी एक्स हो गया। ओके, अब मुझे करना क्या, यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाना है। ओके, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को अपन यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, अप्लाई करेंगे आई मीन, बट ध्यान रखिएगा इसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको अपन मानेंगे सेकंड फंक्शन, बिकॉज अगर आप रिवर्स कर दोगे, इसको अगर फर्स्ट फंक्शन लोगे और इसको अपन अगर सेकंड फंक्शन लेंगे, तो आगे आपको बहुत डिफिकल्टी महसूस होगी। ओके, तो ध्यान से ओके इसको सॉल्व करिएगा। तो देखो यहाँ पे अपना क्या होगा, ये वाला पार्ट एज इट इज आएगा, हम क्या करें इसको सॉल्व करें टेकिंग दिस एज फर्स्ट फंक्शन, बट ध्यान रखना बाहर में नेगेटिव है, तो बाहर में नेगेटिव लगा के देखो हम अपन क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। ओके, ठीक है, तो अपने ये फर्स्ट फंक्शन अपने ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को रख दिए इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे डी एस डी एक्स। ओके, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to ∞ है। ओके, 0 to ∞ आपको जो यहाँ पे लिमिट दिया ना, उसको अपन यहाँ पे नहीं रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, होल में रखेंगे 0 to ∞, बिकॉज ये किसके लिए है, ये एक्स के लिए। और देखो यहाँ पे अपना क्या है, एक एक्स है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक दिखाएं क्या बताओ लिमिट, दैट इज 0 to ∞। ओके, फिर ये अपना सॉल्व हो चुका है, माइनस इंटीग्रेशन लिमिट डालते हैं यहाँ पे 0 to ∞, फिर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिखा दिए, सेकंड वाला पार्ट का इंटीग्रेशन दिखा दिए, फिर इस इंटीग्रेशन का यहाँ पे अपन क्या दिखाएंगे, डीएक्स दिखाएंगे। आई बात समझ में, इस वाला इंटीग्रेशन अपन यहाँ डीएक्स दिखा दिए, इस वाला इंटीग्रेशन का अपन यहाँ पे डीएक्स दिखा दिए, बट ये क्या है, पूरा होल है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 to ∞ दिखाएंगे, ताकि ये सब कुछ उसमें कवर हो जाए। आई बात समझ में, बट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका, यस, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन बन रहा है और यहाँ पे के इंटीग्रेशन बन रहा है, दोनों क्या सेम है, और ये भी क्या है, यू इन टू वी अपना यहाँ पे लग सकता है। ओके, बट देखो हम क्या करेंगे, इसलिए अपन इसको अलग से सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि इसको अपन डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हमें, सॉल्विंग इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके,
बट यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज ये जो दिया हुआ है ओके, माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। क्या क्या बताओ, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में और इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए ओके। इस टू को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो माइनस एक्स डी एक्स अपना क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डी टी अपन में टू हो जाएगा। ये देखो ये अपना क्या है, दिस इंटू दिस है कि नहीं ओके। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा अपना, ये नेगेटिव अपन वहां पे ले आएंगे, दैट इज माइनस डी टी अपन में टू हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये अपना क्या है, पूरा पूरा टी है कि नहीं, तो ये अपना क्या होगा, ई की पावर टी हो जाएगा ओके। फर्दर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फिर ओके। ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, माइनस वन अपॉइंट टू को बाहर निकाल दिए, ये अपना क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी हो जाएगा। माइनस हाफ एज इट इज है, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर टी है ओके। अब ये टी की वैल्यू को अपन यहाँ पे फर्दर रिप्लेस कर लेंगे ओके, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर से इसको अपन रिप्लेस कर लेंगे। तो फाइनली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये क्या है बताओ, इसकी वैल्यू है किसके लिए बताओ, डी आई अपॉन में डी एस, दैट इज माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में टू ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है, नहीं ये किसकी वैल्यू बताओ, ये इसकी वैल्यू है ओके। अब मुझे करना क्या है, इस वैल्यू को अपन यहाँ पे पुटअप करेंगे ओके, पुटअप करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे, बहुत कुछ करना है ओके ठीक है, आगे देखते जाओ। यस डी आई अपॉन में डी एस इक्वल्स टू, ये नेगेटिव साइन एज इट इज है, देखते जाओ यहाँ पे, मैं इसको दिखाते दिखाते आपको सॉल्व कर रहा हूँ ओके। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे आ गया, मॉड ओके डाल दिया यहाँ पे ठीक है। अब देखो ये क्या है, साइन एस एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में टू, एक्स स्क्वायर अपॉन में टू है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे है कि नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव रख दिया और उसको इंटू में ई वाला पार्ट को अपन यहाँ पे लिख दिए। कहाँ से कहाँ था बताओ, लिमिट अपना ये जीरो टू इन्फिनिटी रखा है ओके। तो माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ओके, इसका डिफ्रेंसिएशन बता क्या हो जाएगा, कॉस एस एक्स ओके। और देखो यहाँ पे एक्स के देखो कोफिशियंट यहाँ पे कौन सा था, क्या था यहाँ पे, एस था, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे क्या एस है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दिया ओके। इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, इसको अपन यहाँ पे लिख दिए, फर्दर यहाँ पे अपन डी एक्स लिख दिए, आई बात समझ में ठीक है। यस इस स्टेप को भी अपन एक बार अच्छे समझ लेते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस नेगेटिव को मैं अंदर इंसर्ट कर ले रहा हूँ, या फिर ये बोल सकते हो कि जो स्क्वायर ब्रैकेट इसको मैं हटा दे रहा हूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ओके ओके। तो ये नेगेटिव नेगेटिव अपना पॉजिटिव हो जाएगा, लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक का होगा। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बट यहाँ पे एक और नेगेटिव है कि नहीं, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये नेगेटिव ओके यहाँ पे आएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, तो तीन नेगेटिव सब में क्या बन जाएगा, नेगेटिव मिलेगा ओके। अब ये जो इंटीग्रेशन है बताओ किसके लिए है, ये एक्स के लिए, तो यहाँ पे एस विल बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे एस और यहाँ पे जो टू है उसको अपन यहाँ पे फर्दर बाहर निकाल दिया, दैट इज एस अपॉन में टू, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ओके। एस बाहर निकाल चुका हूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस एस एक्स ओके इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओके। और ये टू को भी ऑलरेडी मैं बाहर निकाल चुका हूँ, तो ये जो है ये हमारे पास फाइनली जो है बचा रहेगा ओके। आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप में जो निकला था उसको अपने यहाँ पे दिखा दिए ओके। अब करना क्या, लिमिट को पुटअप करना है ओके, लिमिट को पुटअप करना है। तो यहाँ पे जब मैं अपर लिमिट को पुट करूंगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है ओके। लिमिट को अपन किसके जगह पुट करने वाले हैं, एक्स के जगह पुट करने वाले हैं ओके। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे अगर एक्स के जगह पे इन्फिनिटी आएगा तो ये अपना क्या होगा, माइनस ए की पावर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है कि ए की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, ए की पावर इन्फिनिटी अपना क्या होता है, एक लार्ज वैल्यू होती है ओके। ए की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, एक लार्ज वैल्यू होती है। बट अगर अपने पास ए की पावर माइनस इन्फिनिटी ओके जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये अपना क्या होगा, वन अपॉन में ए की पावर इन्फिनिटी हुआ कि नहीं, बट यहाँ पे क्या स्क्वायर भी दिया हुआ है ओके। तो यहाँ पे स्क्वायर कर लो, आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ ठीक है। तो ये क्या बड़ी वैल्यू है और ये इतना क्या नीचे में है, तो ये इतना क्या होगा, जीरो हो जाएगा ठीक है। तो जैसे अपर लिमिट को यहाँ पर अपन पुट करेंगे, ये इतना क्या सिंगल टर्म है ओके। अपर लिमिट को जैसे मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है उतना क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं सेकेंड टर्म दैट इज लोअर लिमिट जब मैं पुट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स के यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ये अपना क्या साइन जीरो हो जाएगा। और हमें पता है कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो ये भी अपना क्या हो गया, जीरो हो गया। तो फर्स्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपना फर्स्ट फंक्शन के क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा ओके। अब यहाँ पे आते हैं, ये अपना क्या है, माइनस एस अपॉन में टू है, और ये पता है क्या है, यस मैं दिखाता हूँ आपको, ये वही है जो हमारे को निकालना है, दैट इज एफ ऑफ एस सबस्क्रिप्ट में सी इक्वल्स टू दिस। और इसको हम क्या माने थे, इसको अपन आई माने थे ओके। और ये अपना क्या था, इक्वेशन नंबर वन था फाइन। तो इस पूरे इंटीग्रेशन का लिख सकते हैं अपन, आई लिख सकते हैं,
और यहां पे लिख लो फ्रॉम वन, ओके इक्वेशन वन से ये वाला आई मैं इसको रिप्लेस कर दिया, ओके ठीक है। अब यहां पे देखो अपना क्या है, डी आई अपॉन में डी एस है, और इधर देखो अपने पास क्या है माइनस एस अपॉन में टू, यहां पे अपना क्या है आई है, ठीक है। तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, अब सेपरेशन वेरिएबल को अपने यहां पे अप्लाई करेंगे, मतलब आई वाले फॉर्म एक जगह पे और एस वाला टर्म एक जगह पे। तो यहां पे आई को मैं नीचे लिखा हुआ, तो अपने क्या होगा ये डी आई अपॉन में आई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या माइनस एस अपॉन में टू है, इसको अपन यहाँ पे डी एस को लिखा है, दैट इज माइनस एस अपॉन में टू इंटू डी एस। ये क्या लिखा लिखा पे बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, फाइन। देखो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को अप्लाई करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ध्यान रखिएगा जैसे हम लोग सेपरेशन वेरिएबल्स को अपन सेपरेट करते हैं तो अपना अगला स्टेप क्या होता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, ओके। तो यहाँ पे माइनस वन अपॉन में टू को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे कहेगा एस डी एस, ओके यहाँ पे कहेगा इंटीग्रेशन डी आई अपॉन आई। तो ये पता क्या होगा अपना लॉग आई हो जाएगा, ये अपना देखो क्या माइनस वन पॉइंट टू एज इट इज था, एस का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस इतना क्या भाई एस स्क्वायर अपॉन में टू हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का, ओके ठीक है। आई होप आपको यहां तक कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं हुआ होगा। तो ये अपना क्या लॉग आई हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज माइनस एस स्क्वायर अपॉन में फोर जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा सी आ जाएगा। आई बात समझ में, ओके। अब देखो यहां से मैं लॉग को हटा रहा हूं, ओके मतलब एंटी लॉग लगा रहा हूं, तो एंटी लॉग लगाने पे देखो अपना क्या हो जाएगा, ये आई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में फोर प्लस सी हो जाएगा, ओके। अब इसको अगर मैं सेपरेट करता हूं तो अपने पास जो क्या होगा ये ई की पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में फोर इंटू ई की पावर सी। देखो यहाँ पे बेस कॉमन है कि नहीं, तो क्या होगा पावर आपस में एड होता है, यहाँ पे वही था अपने पास, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। तो ये अपना क्या होगा आई इंटीग्रेशन जो कि मुझे निकालना है, ये अपना क्या है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। आई को सोचते हैं क्या होगा ई की पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में फोर इंटू ए, वेयर ए इज व्हाट ई की पावर सी। मुझे करना क्या है बस ए को निकालना है, ओके। ए को निकालने के बाद अपन अगर इसमें पुट कर लेंगे एंड दैट विल बी माय फाइनल आंसर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, और बाउंड्री कंडीशन अपन यहाँ पे क्या पुट करेंगे एस इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ओके। तो जैसे मैं एस की वैल्यू को जीरो पुट करता हूँ तो देखो यहाँ पे आई अपना क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी। देखो यहाँ पे एस की वैल्यू जीरो पुट करने पर अपने क्या होगा ये जीरो हुआ कि नहीं, तो ई की पावर जीरो क्या होता है वन होता है, तो आई इक्वल्स टू ए हो जाएगा, ओके। तो हम देखते हैं आई की वैल्यू क्या है, ओके। देखो यहाँ पे अगेन अपन कहाँ पे आ गए इक्वेशन नंबर वन पे आ गए, तो आई की देखिए वैल्यू क्या थी, ए वाली वैल्यू थी कि नहीं, ओके ये अपना क्या इंटीग्रेशन था। अब मुझे मैं क्या कर रहा हूँ देखो, तो एस की वैल्यू को जीरो पुट कर रहा हूँ, तो एस की वैल्यू जीरो पुट करने पर ये अपना क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, बिकॉज कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन होती है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा, ओके। तो यहां भी मैंने वही लिखा हुआ आई इक्वल्स टू ए विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो गया। अब करना कि इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है तो मुझे क्या मिलेगा ए की वैल्यू मिल जाएगी, और जो ए की वैल्यू मिलेगी उसको अपन यहां रिप्लेस कर लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा आई की वैल्यू मिल जाएगी, और ये आई अपना क्या है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ओके। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे टी मान लिया, ओके इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो अपने क्या होगा टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ओके। बट ओके हमें क्या चाहिए डीएक्स चाहिए, तो डीएक्स कैसे होगा डीएक्स इक्वल टू डी टी अपन में टू एक्स होगा कि नहीं, बट यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में चाहिए, एक्स को हम क्या करेंगे टी के टर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स को निकाल लो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो एक्स इक्वल्स टू क्या रूट ओवर टी, तो यहाँ पे क्या होगा डी टी अपन में टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे अपन यहाँ पे रूट ओवर टी लिख देंगे। तो फाइनली अपना जो इंटीग्रेशन है देखो क्या हो जाएगा ई की पावर ये अपना क्या है टी है, ई की पावर माइनस टी डी एक्स का अपना क्या है डी टी अपन में टू दो टी ये अपना आ गया लिख दिए। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये क्या था लिमिट किसके लिए एक्स के लिए, तो यहाँ पे जो लिमिट देखा हूँ किसके लिए वो टी के लिए होगा, ओके। अब यहाँ पे जो जीरो है कहाँ पे रखेंगे ये किसका जीरो है वो लोअर लिमिट ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे जीरो रखने पर अपना टी की वैल्यू क्या रहेगी जीरो रहेगी, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब जैसे मैं एक्स की वैल्यू कहाँ पे इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो टी का जो अपर लिमिट है वो भी अपने क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ये है कि जब मैं वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिमिट में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ओके। दोनों केस में क्या हो रहा है सेम हो जा रहा है, अपर लिमिट भी सेम लोअर लिमिट भी सेम, फाइन ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अपना क्या है वन अपॉन टू जो है इसको बाहर रख दिया इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी, और यहाँ पे अपना क्या था रूट ओवर टी था नीचे में था रूट ओवर टी का मतलब क्या था टी के पावर वन अपॉन टू, उसको ऊपर लेके चले जाते तो अपना क्या होगा ये टी के पावर माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखिएगा डी टी लिखिएगा, ओके ठीक है। अब देखो हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन अपॉन टू बाहर निकाल दिए,
इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस टी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो t की पावर हाफ माइनस वन लिख सकते हैं, माइनस हाफ क्या होगा, हाफ माइनस वन हुआ कि नहीं, ठीक है, dt। अब ये आपको पता होना चाहिए गामा फंक्शन में, ओके, गामा फंक्शन आपने पढ़ा होगा एक चीज को, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डीएक्स, क्या होता है, गामा ऑफ एन होता है, ओके, गामा ऑफ एन होता है। तो यहाँ पे जो एक्स के वेरिएबल में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया अपने को, यहाँ पे टी के वेरिएबल में दिया है, टी के फॉर्म में दिया हुआ आपको, ओके, बट यहाँ पे एन की वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या अपना हाफ दिया हुआ है, ओके, तो यहाँ पे अगर एन है तो यहाँ पे अपना क्या है, गामा ऑफ एन है, बट यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू हाफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा ऑफ हाफ हो जाएगा, और ये क्या है, हाफ एज इट इज, ये हाफ यहाँ पे आ गया, और इसकी वैल्यू पूरी क्या होगी, यहाँ पे गामा ऑफ एन, और गामा ऑफ एन, एन क्या अपना यहाँ पे हाफ दिया, दैट इज गामा ऑफ हाफ। और आपको पता होना चाहिए गामा ऑफ हाफ की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई होती है, ओके, गामा ऑफ हाफ की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई होती है। तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये रूट पाई और ये अपने क्या, टू, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, रूट पाई अपॉन में टू, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है, और मुझे पता है आई इक्वल्स टू ए व्हेन एस इक्वल टू जीरो, तो ये मुझे क्या मिला था, फाइनली ए की वैल्यू मिली कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे रखेंगे, यस, इस इक्वेशन रखेंगे, तो ए की वैल्यू रखने पर मुझे क्या मिलेगा, आई मिलेगा, यस, मिल गया, देखो यहाँ पे, देयरफॉर आई इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन में टू इंटू ई की पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में फोर, और ये आई अपना क्या था, यस, ये अपना क्या था, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ओके, दैट इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन में टू इंटू ई की पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में फोर, एंड दिस इज माई फाइनल आंसर, ओके, थैंक यू सो मच।